हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सीए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ नील जीएसटी रिटर्न की। क्या होता है कि जब आप जीएसटी के अंदर एक बार रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और सपोज़ करें किसी मंथ या क्वार्टर में ऐसा होता है कि आपके किसी भी तरीके की सेल या परचेज नहीं है, तो उस केस में भी आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप नील जीएसटी रिटर्न फाइल करें। क्योंकि क्या है कि अगर आप ये नील की जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके उस केस में कुछ पेनल्टी की पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप अगर आपकी कोई सेल या परचेज ना हो और आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो ज़रूर अपनी आप जो है मंथली या क्वार्टरली जो भी मोड है उसके हिसाब से आप अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी को फाइल करते रहें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े ही आसान तरीके से कुछ मिनटों के अंदर ही अपनी GSTR 1 और GSTR 3 दोनों को ही फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आता हूँ। तो गूगल क्रोम में जब आप आएंगे तो सबसे पहले तो आपको GST लॉगिन टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आपको नज़र आ जाएगा GST लॉगिन GST पोर्टल। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, जहां पर आपका वो यूज़र नेम मांगेगा और आपका पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें फिल कर दीजिए और इस पर लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, जहाँ पे डैशबोर्ड सर्विसेज GST लो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे रिटर्न डैशबोर्ड जो ये नज़र आ रहा है आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, या फिर आप सर्विसेज के अंदर रिटर्न के अंदर जाके भी इसको फाइल कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये जो रिटर्न डैशबोर्ड नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका रिटर्न का सेक्शन ओपन हो चुका है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न हम फाइल करेंगे, Q2 की करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर। अब मैं मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ तो मैं यहाँ पे जुलाई जो है वो चूज़ कर लूँगा। मैं आपको जुलाई की रिटर्न फाइल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसमें चलिए जुलाई चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं ये करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर नज़र आ जाएगा, जहाँ पे मेरा GST नंबर नज़र आ जाएगा, लीगल नेम आ जाएगा, ट्रेड नेम आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ गया, मेरा टैक्स पीरियड जुलाई हो गया, स्टेटस नोट फाइल्ड आ गया और ड्यू डेट 11 अगस्त हो गई। तो इसी के जस्ट नीचे देखिए आपको नज़र आ जाएगा फाइल नील GSTR 1। ये जो चेकबॉक्स बना हुआ है इसके साइड में फाइल नील GST रिटर्न में, इस चेकबॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ जाएगा नील फॉर्म GST रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ़ यू हैव। तो ये पूरे इसने कंडीशंस दी हुई है कि कब कब आप इसको फाइल कर सकते हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आपकी किसी भी तरीके की जब सेल नहीं होगी या परचेज नहीं होगी तो आप फाइल कर सकते हैं। बट GST R1 के केस में अगर आपकी किसी भी तरीके की सेल नहीं होगी तो आप इसको फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आपको फाइल स्टेटमेंट नज़र आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका आ चुका है रिटर्न फाइलिंग फॉर GST R1। यहाँ पर भी चेकबॉक्स एक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है आई हेयर बाई सोलमली अफर्म एंड डिक्लेयर। तो ये कुछ आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है, ये जो चेकबॉक्स है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी होगा उसका नाम हो जाएगा, जो मैंने हाइड किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने ऑथराइज सिग्नेचरी सिलेक्ट कर लिया है और अब आपके पास ऑप्शन आएगा फाइल विद DSC, फाइल विद EVC। तो फाइल विद EVC पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, मेल होगा, उस पर आपका OTP आ जाएगा। तो मेरे पास OTP आ गया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और उसके बाद आप क्या करते हैं वेरीफाई कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए आपकी GSTR 1 जो नील की रिटर्न थी वो फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। देखिए दोस्तों सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही हमने अपनी GSTR 1 फाइल कर ली है। तो चलिए अब हम फाइल कर लेते हैं GSTR 3 को। तो इसके लिए दोबारा मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ सर्विसेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको रिटर्न नज़र आ जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो दोबारा इस तरीके से आपको पेज नज़र आ जाएगा, यहाँ आपको दोबारा क्या कर लेना है। अब मैं GSTR 3 भी आपको फाइल करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर दोबारा आप जुलाई का पीरियड चूज़ कर लीजिए और इस पर सर्च कर दीजिए। तो देखिए ये दिखा रहा है कि मेरी जो GSTR 1 मैंने फाइल करी थी, अभी आपको दिखाई है फाइल करके, यहाँ पर स्टेटस फाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब जो GSTR 3 भी है वो फाइल कर लेते हैं। तो यहाँ आपको प्रिपेयर ऑनलाइन की, ये देखिए GSTR 3 भी है, यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन दिखा रहा है कि आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई इनवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो आप यस कर दीजिए और अब इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको कुछ इस तरीके से ये एक कुछ नोट दिखाएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये वेरिफिकेशन के लिए फिर एक चेकबॉक्स देगा और आपसे कुछ डिक्लेरेशन मांगेगा। तो आप इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सिग्नेचरी मांगेगा, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है लेकिन मैंने हाइड किया हुआ है। और उसके बाद आप क्या करिए, फाइल कर दीजिए GSTR 3B विद EVC, ये जो लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर मेल आईडी है उस पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP यहाँ फिल कर दीजिए और उसके बाद आप वेरीफाई कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आपने वेरीफाई किया तो आपकी GSTR 3B सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अब दोबारा आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो देखिए GSTR 1 और GSTR 3B,
दोनों का स्टेटस जो है फाइल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक बार ये स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फाइल कर लेते हैं, आपको लगता है कि फाइल हो चुकी है, बट वो प्रोसेस में होती है, फाइल नहीं होती है। तो एक बार डैशबोर्ड में आकर एक बार जरूर हमेशा आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पर जो GSTR 1 है और GSTR 3 भी है, वहाँ पर फाइल लिखा हुआ जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों आप जस्ट कुछ 5 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर ही अपनी नील की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।